नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। आईआईटी का मानना है कि भारत में मई के मध्य में चरम पर पहुंचकर 38 से 48 लाख हो सकती है एक्टिव मामलों की संख्या। कोविड के बढ़ते मामले और सरकार की उदासीनता के बीच किसान आंदोलन के 5 महीने पूरे हुए। कोरोना की दूसरी लहर में मामले गिरने की गति वृद्धि के मुकाबले कम होगी, कहना है डॉक्टर सत्यजीत रथ का। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में लगातार छठे दिन भी 3 लाख से ज्यादा नए मामले, अब तक 1.76 करोड़ लोग संक्रमित। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए एक गणितीय मॉडल के आधार पर अब कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उपचार के अंतर्गत मामलों की संख्या 14 से 18 मई के बीच में चरम पर पहुंचकर 38 से 48 लाख तक हो सकती है और 4 से 8 मई के बीच संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 4.4 लाख तक के आंकड़ों को छू सकती है। भारत में सोमवार को संक्रमण के 3,52,991 नए मामले सामने आए तथा महामारी से 2,812 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 28,13,658 हो गई है। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने सूत्र नाम के मॉडल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मई के मध्य तक उपचार के अंतर्गत मामलों की संख्या में 10 लाख से अधिक तक की वृद्धि हो सकती है। दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 5 महीने पूरे हो गए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के गाजीपुर, शाहजहांपुर, सिंगू और टीकरी बॉर्डर के अलावा हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाल ही में कहा कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो किसान 5 साल तक यहां बैठ सकते हैं, कोरोना हुए तो धरना स्थल पर ही इलाज करवाएंगे। एक अन्य किसान नेता बूटा सिंह ने भी कल कहा कि किसान अगले 6 महीने तक का राशन लेकर आएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसान आंदोलन जारी है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक उदासीनता ही दिख रही है। प्रतिष्ठित इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यजीत रथ का कहना है कि जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनका पतन भी उसी तरह होगा। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीण पुरकास्ता से बात करते हुए उन्होंने आंकड़ों के बारे में चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना। So what we have been seeing is a convergence or a coalescence of these outbreaks all across the country. As we have locked down and reduced interactions in response to the growing numbers, inevitably, the rate of spread of many of these outbreaks is going down. But our response has not been uniform across the country, clearly. In some places, heavily affected places, heavily policed places, since we keep converting this into a law and order problem, we have reduced interactions, but in other places we have not. So what we currently have is the sum total of outbreaks which are dampening down because we have physically distanced ourselves, but in other places, smaller outbreaks, but many outbreaks which are still growing. And that sum is going to be what is going to be represented by a flattening. And it's slowly, as more and more outbreaks die down and fewer outbreaks come up, that we will begin to see the descending arc. So this is a point that all of us need to keep in mind, the sheer noisy complexity of the landscape. Secondly, that all of that said, it's quite clear that in the major areas contributing large growth in case numbers, there seems to be a leveling off. And if that pattern continues, then what we are likely to see over the next 2 or 3 weeks is a tapering off and a plateauing and a long, slow decline. But clearly, the decline, none of us should be expecting to be as precipitate a decline as the increase was. Typically, that's not how pandemic outbreaks behave.
That's not how our experience has been in last year's major increase in caseloads. None of us should be expecting this to be a short, sharp, quick crisis. This is going to be a long, hot summer. You know, it's interesting because a lot of the epidemiologists tend to talk about the symmetric bell curve as if that's what it is. And we've been talking about it, that people get mistaken by their own models and start believing that's a reality. In fact, when you talk about the R0, R, all of these numbers, they are really artifacts of your models, then effectively a prediction of what's happening on the ground. So I think some of those issues are there. And what you point you make, why do you see a much slower decline? Is because a few urban centers can create a steep rise. But when the fall takes place, it's taking place across much larger, smaller towns, communities, dispersed communities, and so on, because that's where it spreads next. And therefore, you see a much slower decline. But the rise is sharp because you see it really in densely populated urban areas, this time the Maharashtra in the cities, and Delhi, of course, in the cities. Punjab, of course, is a bit of an outlier, but again, the cities went up very fast there too. So while Punjab, Maharashtra seems to be slowing down, and you can see that, Delhi, not as yet, maybe some slowing down, because you see the positivity ratio now, infections to tests seems to be coming down a bit, and there has been a lockdown, so you expect that. You can see other reasons, and we have discussed this, the Kumbh and the elections, of course, also create a much more of a spread. Of course, we can't really quantify it in terms of figures, but Haridwar figures are now coming out. The number of people who have been there who are already infected, according to the government statistics itself, seems to show, yes, of course, all of this is going to have an effect. But the fact that it comes down more slowly is something we have to expect. And maybe what you said, a long, hot summer, that we are really going to see lockdowns over a much larger area as the summer proceeds. Well, clearly, I mean, only hours ago, Karnataka has announced a full 14-day statewide lockdown. So our tendency to be complacent until a point at which public health, responsible, careful, graduated measures are no longer possible, and draconian conversion to a law and order perspective is the only thing remaining, has come to the fore again and again and again. This has been the critical issue of treating it right from the beginning as initially a centralized emergency law and order issue. And then now, in fact, the central government is saying, we'll help the states. Now they seem to have thrown up their hands and said, we will help the states, after initially saying that we have won this great victory under the leadership of the Prime Minister over COVID-19. And somebody, I think, also said, I think it was Neeti Aayog, who said, Nobel Prize winning research, and what the Nobel Prize winning research was not explained to us, fortunately. But of course, now you see that it was a precursor, curtain raiser to the real crisis we are having today. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 27 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार छठे दिन में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा यानी 3,23,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 2,771 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इसी बीच कोरोना से पीड़ित 251,827 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 68,546 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,76,36,307 हो गई है, जिनमें से 1,97,894 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 82.53% हो गया है, यानी देश में कुल पीड़ित मरीजों में से अब तक 1 करोड़
56,002 मरीजों को ठीक किया गया है। इसी के साथ में देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16.34% यानी 28,82,204 हो गई। आज के डेली रोडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।